व्यूअर्स बैठे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम भानु प्रिया, योर टीचर एंड योर एजुकेटर फॉर स्पेशलाइजेशन कोर्स ऑफ सुपरवाइजर पोस्ट। एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लाइव सेशन ऑफ आवर रिविजन्स एंड एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। तो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज To inform you all that आज से हमने हमारी revisions की series जो है वो शुरू कर दी है, which is going to be on YouTube. तो ये sessions हमने we are going to start first with the specialization course. तो specialization course की revisions हमने आज से, that is 4th of April, Monday से Thursday से शुरू कर दी है, ठीक है। तो हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। सबकी पीडीएफ्स अलोंग विद द वीडियोस आर अपलोडेड ऑन द ऐप। सम ऑफ द वीडियोस, सम ऑफ द लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब फॉर ऑल द व्यूअर्स एज वेल। सो जो लोग हमारे साथ हमारी ऐप पर जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स, दे मस्ट बी अवेयर दैट यू नो द एफर्ट्स वी हैव पुट इन टू प्रोवाइड यू एवरी डिटेल ऑफ योर टॉपिक्स, है ना। तो हमने पूरी कोशिश की है। तो अभी जो है हमारा मतलब प्रैक्टिस का टाइम आया है। तो स्टूडेंट्स, जो लोग सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उनको पहले दो तीन यूनिट्स में थोड़ा ईज हुआ होगा। जो नहीं है उनके लिए भी चीजें आसान बनाने की कोशिश की हमने। और अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो यू आर गोइंग टू बी लाइक यू नो वेरी कंफर्टेबल विद द थिंग्स। तो आते हैं मुद्दे की बात पर। वेरी गुड, हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं सारे। तो हमने ये सेशंस जो है ये आज से स्टार्ट किए हैं। 12 बजे रोज लाइव क्लास होगी मेरी, एंड हम पहले यूनिट 1 की रिविजन आज से शुरू कर रहे हैं, विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। और रोज 4 बजे लाइव क्लास आपकी होगी यूनिट 4th की रिविजन की, जो कि तानिया मैम लेंगी। तो यूनिट 1 और यूनिट 4 की कंसेक्यूटिवली स्टूडेंट्स दो यूनिट्स एट द सेम टाइम आपके रिवाइज होंगे। और हमारा रिविजन का पैटर्न क्या है? रिविजन का पैटर्न ऐसा रहेगा कि हम पहले टॉपिक को पहले 5-10 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे, जिसके हमने क्रक्स में शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं इन द फॉर्म्स ऑफ इमेजेस एंड फ्लो चार्ट्स। तो वो हम पहले आपका रिविजन करेंगे ब्रशअप करके, फिर हम फॉलोड बाय दी एमसीक्यूज, 15-20 एमसीक्यूज जितने भी है ना टॉपिक से पर्टेनिंग हमें मिलते हैं हम वो करेंगे, ठीक है। तो शाम को 4 बजे आप आज आपकी क्लास होगी, तानिया मैम लेंगे यूनिट नंबर 4, जो कि यू नो ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी वाला जो यूनिट है वो आपका रिविजन स्टार्ट होगी। तो अच्छा रहेगा आप लोग खुद भी रिविजन करें, खुद से भी पढ़ें और यहाँ पर एक बार योर रिवाइज करें। देखिए, एक बार चीज़ों को नजर लगाने से चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती हैं, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कॉम्पिटिटर्स, वो भी एमसीक्यूज। तो ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा आज का है सोसाइटी, ठीक है। वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पेशलाइजेशन पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो 50% पार्ट जो है वो स्पेशलाइजेशन का ही है, बाकी भी आपका जो जीएस का, कंप्यूटर्स का सारा जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। ऐप पर सारा मटेरियल डन है। तो अब चूंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने तो हैं रिविजन करने के, प्रैक्टिस करने के, तो कोई भी हमने ऐसा कोना छोड़ना नहीं है कि जिससे हमारा कोई मतलब पॉइंट छूट जाए, ठीक है। हमने चाहे वो करंट अफेयर्स से हो, वो रीजनिंग हो, मैथ, यू नो आपके जितना भी छोटा मोटा कंप्यूटर का पार्ट है, एंड प्लस स्पेशलाइजेशन जो है, स्पेशलाइजेशन को तो हमने छोड़ना ही नहीं है। एक भी हमने सिलेबस का पार्ट जो है वो आपका ढीला नहीं छोड़ा है ना। हमने यू कैन सी इवन इन टू द लास्ट यूनिट वी हैव पुट लाइक यू नो सो गुड एफर्ट्स, यू कैन कंपेयर योर नोट्स विद एनी वेयर एल्स, ठीक है। तो आप खुद इस चीज का यू नो डिसीजन ले सकते हैं दैट व्हाट इज द क्वालिटी मटेरियल दैट यू पीपल हैव बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो जो लोग हमारे ऐप पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं दे आर अवेयर, जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं दे कैन स्टिल गो एंड यू नो गेट एनरोल्ड इन टू दिस कोर्स, क्योंकि वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एग्जाम बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट इज इन टू यू नो फोर्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट में एग्जाम होने के चांसेस बहुत
कम होते हैं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हैं। तो जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाती है ना हमारे पास, हमने क्या करना है, हमने इलेक्शंस में ध्यान नहीं देना, हमने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर दी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक की रिविजन, तो विच इज सोसाइटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे ये कोर्स एक बार ही मैं ब्रीफली बता देती हूँ, हमारे पास पूरा सुपरवाइजर का कोर्स भी अवेलेबल है, दैट विल बी इंक्लूडिंग द जीएस पार्ट एज वेल एज द स्पेशलाइजेशन, एज वेल एज हमारे पास यू नो ओनली फॉर द स्पेशलाइजेशन कोर्स भी है। जिनको सिर्फ स्पेशलाइजेशन के पार्ट पर फोकस करने की जरूरत है, उन्हें लगता है हमारा जीएस वाला पार्ट बिल्कुल ओके है, हमें नहीं चाहिए, तो उनके लिए हमने अलग से स्पेशलाइजेशन का कोर्स भी लॉन्च किया था। सो आप कर सकते हैं इसको ज्वाइन, ठीक है। तो ये हमने शेड्यूल बनाया है आपका रिवीजन का। तो 4th of April को आज हम सोसाइटी कर रहे हैं, कल कम्युनिटी होगा, फिर आपका 6th को एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन आएगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज, यू नो ऑल द टॉपिक्स। हम लोग एक या दो दो टॉपिक हर रोज लाइव उठाएंगे, या फिर यू नो तो कोई क्लास अगर लाइव नहीं हो सकेगी तो उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डेड हम लेकिन हर रोज आपके लिए इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी रिविजन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी, तो किसी भी टॉपिक को जब हमने रिवाइज करना है, जिन्होंने इन डिटेल अपने नोट्स को पढ़ा हुआ है, इट इज यू नो नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट रीब्रशिंग द थिंग्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल। तो सोसाइटी होती क्या है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी इज क्या पढ़ा था हमने, बाय मकाइवर एंड पेज, इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। और यू नो सोशियोलॉजी है क्या, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आप लोग खुद भी अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो हमें सोसाइटी को समझना है। सो सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोशियस, ओके। तो सोशियस जो है वो लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है, कंपेनियनशिप, फेलोशिप, कंपेनियनशिप, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है, अब सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, हमने सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखिए कुछ चीजें, कुछ नहीं बहुत सारी चीजें हमें क्रैम करनी पड़ेंगी, क्रैम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो सोशियोलॉजी, सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोशियस, वेयर एज सोशियोलॉजी इज मेड ऑफ टू यू नो वर्ड्स, सोशियस एंड लोगोस। तो सोशियस जो है हमने कहा लैटिन वर्ड है, उसका मतलब कंपेनियनशिप है, वेयर एज लॉजी इज द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है स्टडी ऑफ। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली यू नो सोसाइटी क्या होती है ना, कि एज एरिस्टोटल हैज सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इंसान अकेला नहीं रह सकता, तो वो ग्रुप्स में रहता है। तो ऐसे ही वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप में रहता है, जिसे हम कहते हैं क्या, सोसाइटी। तो सोसाइटी की अब हम कुछ मेन डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन आती है मकाइवर एंड पेज की। मकाइवर एंड पेज की पहली डेफिनेशन है, तो इट्स रीड्स इट लाइक दैट, सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटीज एंड म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुप्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लिबर्टीज एंड सो एंड सो एंड ओवरऑल वॉट इज द पंच लाइन टू रिमेंबर द डेफिनेशन गिवन बाय मकाइवर एंड पेज, दैट इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। हर डेफिनेशन में कोई पंच वर्ड को इसी तरह से उसको अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये किसने कहा है। तो सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज सेड बाय मकाइवर एंड पेज। गिडिंग्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ। तो स्टूडेंट्स इससे ज्यादा एम्फोसिस नहीं करेगा कोई, मैं कह रही हूं इससे ज्यादा एम्फोसिस करके कोई नहीं समझाएगा, सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ। गिडिंग्स की डेफिनेशन में यूनियन इटसेल्फ को याद रखना है। पार्सन्स डिफाइन सोसाइटी एज द टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। देखिए मैं जिन चीजों को इनसर्कल कर रही हूं उनको आप जूम करके वापस रिपीट करके देखिएगा, दैट पार्सन्स ने क्या कहा है, टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ओके। मॉरिस जिन्सबर्ग कहते हैं सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टन रिलेशनशिप्स। तो जिन्सबर्ग की अगर डेफिनेशन है तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स,
ओके, तो ये पंच वर्ड याद कर लीजिए, बाकी डेफिनेशन को थोड़ा माइंड में बिठा लो, तो यू विल बी एबल टू गेस और फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जाम अकॉर्डिंग टू जीडीएम कोल की डेफिनेशन है, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस इन इंस्टीट्यूशन. अब जिसकी डेफिनेशन में आपको देखेंगे ना कि ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन सारे वर्ड्स आ गए, वो जीडीएम कोल की डेफिनेशन है. मतलब जिनका अपना नाम भी इतना लंबा और कॉम्प्लेक्स है, जीडीएम कोल, तो उन्हीं ने ये मतलब सारे वर्ड्स को यूज किया है सोसाइटी को डिफाइन करने के लिए. ओके, तो लेट्स मूव ऑन, ये हो गई डेफिनेशंस की रिविजन. नाउ लेट्स गो अहेड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोसाइटी आर देयर? तो बेसिकली अगर हम एज्यूम करें तो देयर आर यू नो फाइव टाइप्स, हंटिंग एंड गैदरिंग, जो कि बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप की होती है, हंटिंग एंड गैदरिंग टाइप सोसाइटीज, पेस्टोरल सोसाइटीज, पशुपालन, जो ज्यादा एनिमल्स की रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं, अग्रेरियन सोसाइटीज और हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज, देन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. ठीक है, पांच टाइप की सोसाइटीज हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल, अग्रेरियन, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल. दिस पिक्चर ऑल्सो एक्सप्लेन्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. नाउ वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोसाइटी के? दैट इट कंसिस्ट ऑफ पीपल. ऑफकोर्स सोसाइटी जो है वो लोगों से, इंसानों से ही बनती है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्ट ऑफ पीपल. म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस, है ना, पीपल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी दे आर म्यूचुअली अवेयर ऑफ ईच अदर एंड दे आर इन टू इंटरेक्शन विद ईच अदर. सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस एज वेल एज ऑन द डिफरेंस. फाइन, सोसाइटी में समानता भी होनी चाहिए लेकिन डिफरेंसेस भी होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन, डिविजन ऑफ लेबर. सोसाइटी इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस ऑल्सो. डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं. इन सिंगली या ए इंडिविजुअली हम कोई भी चीज को एग्जिस्ट करता सोसाइटी में नहीं देख सकते. सोसाइटी इज डायनेमिक, सोशल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इट. सोसाइटी का, हर समाज का एक कल्चर होता है. एंड ग्रीगेरियस नेचर ऑफ मैन, विच मीन्स दैट ग्रीगेरियस इज टर्म यूज फॉर दोज एनिमल्स और स्पीशीज दैट बींग्स जहां पर अकेले नहीं रह सकते. फाइन, तो इंसान भी अकेला नहीं रह सकता. मैन इज अ सोशल एनिमल, किसने कहा है? हु हैज सेड दैट? एरिस्टोटल हैज सेड दैट. ओके फ्रेंड्स, अब ये जो स्लाइड है देखने में छोटी है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. तो दिस टॉक्स अबाउट मॉडल्स ऑफ सोसाइटी. मॉडल्स ऑफ सोसाइटी में व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? दैट हाउ सोसाइटी हैज कम इन टू बींग. तो डिफरेंट लोगों के अलग अलग थिंकर्स जो थे, अलग अलग सोशल साइंटिस्ट के अलग अलग विचार थे. तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि एवोल्यूशनरी तरीके से समाज बना है. कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, यानी कि इंसान की तरह होता है. ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि समाज में इक्विलिब्रियम होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है. ओके, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट. फाइन, तो हम अगर एवोल्यूशनरी मॉडल की बात करें तो एवोल्यूशनरी मॉडल में कौन लोग हैं? ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम एंड फर्डिनेंड टोनिस. ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें. एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या कहता है? दैट सोसाइटी इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ठीक है, सिंपल स्टेजेस से कॉम्प्लेक्स की तरफ समाज जाते जाते अपनी एग्जिस्टिंग फॉर्म में पहुंचा है. तो हर्बर्ट ऑगस्ट कॉम्टे ने तीन ऐसी स्टेजेस दी हैं विच टॉक अबाउट दी सोसाइटी, दैट हाउ सोसाइटी हैज इवॉल्व. सो सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिम हैज इवॉल्व फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिव. ओके, तो मैं आपको यहां थोड़ा सा लिख के बता देती हूं. ठीक है, थियोलॉजिकल, देन मेटाफिजिकल, पॉजिटिव. ठीक
थियोलॉजिकल यानी कि सबसे पुराने तरह का जो समाज था वो धर्म पे डिपेंड करता था, धर्म की ही बातों पे, यू नो, कि ऑन द बेसिस ऑफ द थॉट ऑफ द बिलीफ बिलीफ प्रोसेस बिलीफ सिस्टम, तो थियोलॉजिकल, ठीक है. तो मेटाफिजिकल उसके बाद जब लोग थोड़ा सा साइंटिफिक होना शुरू हुए, एंड पॉजिटिव इज व्हेन द सोसाइटी इज टोटली बेस्ड ऑन द लॉजिक्स एंड रैशनैलिटी. ओके, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि दैट सोसाइटी हैज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू, यू नो, सिंपल टू कंपाउंड, डबली कंपाउंड एंड ट्रेबली कंपाउंड, एज वेल एज ही सेज दैट सोसाइटी हैज इवॉल्व फ्रॉम मिलिट्री टू द इंडस्ट्रियल. पहले जो सोसाइटीज जैसे हम मिडिएवल या एंशिएंट टाइम्स में देखें तो ज्यादा, है ना, हमने देखा युद्ध होते थे, मारकाट होती थी, तो मिलिट्री टाइप थे कि युद्ध से ही जीता जाएगा, लेकिन आज इंडस्ट्रियल है, सो मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल. इमाइल दुर्खीम की बात करें तो उन्होंने कौन सी दो स्टेजेस दी हैं, और मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिडैरिटी और डिविजन ऑफ लेबर के बेसिस पे उन्होंने दो टाइप्स दी हैं, ठीक है. अगर फर्डिनेंड टोनिस की बात करें तो ही हैज गिवन जेमिन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर रिवीजन सीरीज, इसमें हम हर कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, गो बैक टू द क्लासेस, और यू कैन ऑल्सो गूगल द टर्म दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एट प्रेजेंट, बट इस टाइम पे क्लास में जुड़े रहे, ठीक है. ऑर्गेनिज्मिक, ये हो गया एवोल्यूशनरी मॉडल. तो ऑर्गेनिज्मिक मॉडल क्या कहता है? ऑर्गेनिज्मिक मॉडल ये कहता है कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, किसी भी इंसान की तरह होती है, यू कैन से किसी एनिमल की तरह ही होती है, कि जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स आर इन, यू नो, एसोसिएशन विद ईच अदर एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे वाइटल ऑर्गन्स में से एक भी मिस हो जाए, एक भी फंक्शन करना बंद कर दे, तो बाकी सारे भी इफेक्ट होते हैं और धीरे 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 सारी की सारी बॉडी डेड हो जाती है. समाज भी ऐसा ही होता है. ओके, तो समाज भी ऐसा ही होता है, दैट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर, सो सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म. तो ये किस किस का कहना था? हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम एंड मैलिनोव्स्की. तो जो भी फंक्शनलिस्ट है ना, उनका मोस्टली ऑर्गेनिज्मिक मॉडल रहता है. फंक्शनलिज्म में फंक्शनलिस्ट टैलकॉट पार्सन्स भी थे. तो टैलकॉट पार्सन्स ने इक्विलिब्रियम मॉडल दिया है. व्हाट इज दिस? दिस इक्विलिब्रियम मॉडल सेज दैट सोसाइटी जब बदलती है तो हमारा जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, बट सोसाइटी हैज अ टेंडेंसी ऑफ कमिंग बैक टू दिस, यू नो, इक्विलिब्रियम. दैट समाज अपने अंदर ही ऐसा करता है, दैट हाउ कैन वी रीगेन दैट स्टेबिलिटी. So that is then equilibrium model, and this is given by whom? This is given by Talcott Parsons. और last जो model है, that is conflict model. ये conflict model किसने दिया हुआ है? ये conflict वाले लोग सबसे पहले तो Karl Marx ही हैं, और ये क्या कहते थे? That in fact, I mean, this perspective says that society में inequalities हैं, exploitation है. तो because of this exploitations, you know, one section of the society is able to, you know, take the benefit of all the resources. On the other hand, the other section, जो कि larger section होती है, वो subordinate होती है, और वो उन लोगों का, मतलब उन लोगों के अधीन रहती है, है ना. जो इलीट क्लास होती है, पावर में होते हैं, वो लोग सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं. जो दूसरी सेक्शन है वो एक्सप्लॉयट होती है, जो कि मिडिल और लोअर क्लास है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट है, और यही कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा. तो इनके कौन प्रोटैगनिस्ट थे? Karl Marx, लेविस कोजर, डारेंडॉर्फ, ठीक है. आप लोगों के लिए इतना ही समझना काफी है. लेट्स मूव ऑन. Now we are going to begin our MCQs. ये discussion करते हैं कि on the basis of what we have revised as well as what we have, I mean, learnt into our classes, तो हम अभी questions को attempt करते हैं. Fine. तो पहला question आ रहा है that what term refers to the unjust or prejudicial treatment of individuals or groups based on their social characteristics such as race, gender or class. तो on the basis of किसी के social characteristics के basis पर किसी के साथ
अनइक्वल ट्रीटमेंट करने को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर मतलब किसी के रंग के बेसिस पर, किसी की क्लास या कास्ट के बेसिस पर हम उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करें, तो अनफेयर ट्रीटमेंट करें, उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइपिंग. आई इन्वोक यू ऑल टू पार्टिसिपेट एंड आंसर. यस रुमाना, ये YouTube पर ही हमारी रिविजन क्लासेस डेली अपलोड होंगी. आप जुड़े रहें, हर रोज 12 बजे आपकी क्लास आएगी. यस, सो आंसर इज डिस्क्रिमिनेशन. जिन लोगों ने अभी तक आंसर दिया है, सही दिया है, डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन डिफरेंट बेसिस, कि आप किसी के सोशल बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर किसी को पर्टिकुलर बेनिफिट्स लेने से वंचित कर सकते हो, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. या ओके, व्हाट इज द लैटिन वर्ड सोशियस मीन? हमने अभी रिवाइज किया दैट सोसाइटी जो है या सोशियोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ से उसकी टर्म्स ली गई हैं, एंड इट दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म्स सोशियस एंड लॉजी. सो सोशियस एंड लोगस, सॉरी. तो सोशियस का मीनिंग क्या है? लैटिन टर्म है ऑफ कोर्स, है ना, याद हो गया अब तक कि सोशियस इज अ लैटिन टर्म. तो लैटिन टर्म सोशियस का मीनिंग क्या है? कॉम्पिटिशन, हार्मनी, कंपेनियनशिप और आइसोलेशन. क्वेश्चन नंबर टू. यस, करेक्ट, कंपेनियनशिप. तो कंपेनियनशिप क्या होती है? वेयर पीपल लिव विद ईच अदर. ठीक है, तो लिविंग विद ईच अदर से इसे ही हम कंपेनियनशिप कहते हैं. कि मैन इज अ सोशल एनिमल, वो अकेला नहीं रह सकता, तो उसको अपने साथियों की जरूरत पड़ती है, तो इसी को हम कहते हैं सोसाइटी. सो लैटिन वर्ड सोशियस का मीनिंग होता है कंपेनियनशिप. तीसरा क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी? हु इज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट और इमाइल दुर्खीम. ए बी सी और डी, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट. हमने अपनी जो डिटेल्ड क्लासेस ली हैं, जो मेरा बिल्कुल पहला लेक्चर था, उसमें दिया हुआ है सबसे पहले. यस, वेरी वेल नोन फैक्ट, ऑगस्ट कॉम्ट इज द फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजी. ही इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज विद हिज एफर्ट्स द सोशियोलॉजी केम टू बी एग्जिस्टिंग एज अ डिसिप्लिन. ठीक है, तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी ये नया डिसिप्लिन उन्होंने बनाया था. ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डज द सुफिक्स लॉजी मीन इन सोशियोलॉजी? तो आज के हमारे क्वेश्चंस थोड़े से सिंपल हैं, बट स्टूडेंट्स जो हमारी ऐप पर, जो हमारे स्टूडेंट या जिन्होंने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या करने वाले हैं, द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट एंड द लेवल इज गोइंग टू बी अप विद दिस. व्हाट डज द सुफिक्स लॉजी मीन इन सोशियोलॉजी? द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, द साइंस ऑफ और द बिहेवियर ऑफ. Question number four. Yes, all of you giving me the correct answer. तो लॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ, है ना, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जियोलॉजी, तो जिस भी साइकोलॉजी, तो जिस भी टर्म का सुफिक्स लॉजी आता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि द स्टडी ऑफ दिस थिंग. सो द सोशियोलॉजी विच मीन्स दैट the study of society. Question number five. What does the term sociology combine according to its etymology? अब इस term को मैं आपके लिए break करती हूँ कि etymology का मतलब है कि हमने कहा ना that society is formed of two words, socius and logos. ठीक है, तो socius कौन सा टर्म है, यानी स्पैनिश है, ग्रीक है, लैटिन है या क्या है, और लोगोस क्या है?
वेरी गुड. अभी अभी जस्ट हमने किया. So yes, the answer is Greek and Latin. आप इसको ये देखिए कि आप ये मत समझिएगा कि सोशियस पहले आता तो लैटिन पहले आना चाहिए. आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक है. इट इज नॉट इंग्लिश एंड फ्रेंच, इट इज नॉट लैटिन एंड स्पेनिश. स्पेनिश तो नहीं है, जर्मन और इटालियन तो बिल्कुल भी नहीं है. तो आप ये देखिए कि ग्रीक और लैटिन हमारे किस में आ रहे हैं. दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए. ओके, ग्रीक एंड लैटिन, वेरी गुड. जिन्होंने अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गोइंग. क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप इन सोशियोलॉजी. अब इनमें देखिए कि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू गेट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स रादर देन गेटिंग कि आपको बिल्कुल केक वॉक जैसे चीजें मिल रही हैं जो सोच रहे हो आप. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा कोशिश करनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्राइमरी ग्रुप की एग्जाम्पल है? अ स्पोर्ट्स टीम, अ क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज कॉर्पोरेशन और अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स और द ऑप्शंस गिवन, इनमें से कौन सा हम कहेंगे कि प्राइमरी ग्रुप की एग्जाम्पल हो सकती है? प्राइमरी ग्रुप वो होता है जिसमें यू नो द मेंबर्स आर वेरी क्लोजली बाउंडेड टू ईच अदर, उनकी इंटरेक्शन बिल्कुल फेस टू फेस होती है, उनके रिलेशनशिप्स जो है वो थोड़े वो लॉन्ग टर्म होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो यहां पर बताइए, स्पोर्ट्स टीम, क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज कॉर्पोरेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. Yes, so it is a classroom of students. In all senses, this is the only the example of the primary group. क्योंकि हम sports team की बात करें अगर, तो sports team में क्या है? Sports team is a secondary or maybe a tertiary group. देखिए अब groups तो वैसे है नहीं, but ऐसे out of the box questions आते हैं. तो secondary group वो होता है जहाँ पर लोगों के जो interactions हैं, they are either you know for a limited period of time or maybe for limited aspects. लेकिन primary group में in all the aspects, जो classroom होता है तो बच्चे वहां पर अपनी studies के लिए भी connected होते हैं, दोस्त भी होते हैं आपस में, फिर वो है ना almost सालों दर सालों एक दूसरे के साथ connected रहते हैं. They are into you know face to face relationship of each other. They know the backgrounds also. तो you know अपने सुख दुख भी बांटते हैं. तो इसीलिए classroom of students जो है वो इसकी example बनती है. Large corporation में people are not bothered also कौन है कौन नहीं है, कईयों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता होता. तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन सेवन, व्हाट इज द टर्म इन फॉर अ सोसाइटी इन विच द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इलीट्स. क्या टर्म यूज करते हैं हम व्हेन द पावर इज इनटू द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, जब चंद लोगों के हाथ में सारी पावर हो तो उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? बिल्कीज हाफिज कह रही है मैम हमें ये क्यों नहीं आया. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. The test series and the practices are only to learn. It is not that you have to get all the answers right. अगर आपको सारे answers आते हैं तो फिर तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है. जब भी आप कहीं पर भी tests या questions attempt करें, खुद भी देखें, always try to get a level upper. जो आता है उसको करने की क्या जरूरत है? जो चीजें out of the box या extra कुछ मिल रहा है सीखने को, उसे absorb कीजिए और अपने knowledge के core को बढ़ाइए बच्चे. ऐसा ही होता है. It's not कि हम आपको पढ़ा रहे और आप हमें blame करेंगे, आपने तो हमें ये पढ़ाया नहीं. It is not like that. जो नहीं पढ़ाया, अगर हम भी जब भी अभी भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो एवरी डे वी गेट टू लर्न समथिंग न्यू. दिस इज ओनली ऑल्सो गोइंग टू बी दी केस विद यू ऑल्सो. अब इस पे आइए. अब आप कहेंगे ये भी नहीं पढ़ाया है, तो
बेसिक इंग्लिश की टर्म्स हैं, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी लेवल के पेपर्स देख लीजिए, जेके एस एस बी, यूपीएससी, व्हाटएवर, एसएससी, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे. बट इट डज नॉट मीन दैट देर इज अ प्रॉब्लम विद द सिस्टम, इट मीन्स दैट देर आर ऑलवेज चैलेंजेस, उनको डील करना सीखिए. ठीक है, तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी, नो डेमोक्रेसी इज you know the rule of all by you know of government of the people for the people by the people, so it is not like that. Oligarchy, oli ka matlab hota hai few, to archy ka matlab hota hai authority, to anarchy, no authority at all, and plutocracy, I'm not sure with the term. So this is the oligarchy. Oligarchy iska answer hai ki jab bhi power कुछ लोगों के हाथ में होती है, थोड़े लोगों के हाथ में होती है, तो दैट इज ओलिगार्की. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ सोसाइटी इन विच पीपल टेंड टू कीप देमसेल्व्स एंड हैव लिमिटेड इंटरेक्शन विद द अदर्स आउटसाइड ऑफ देयर इमीडिएट फैमिली. ऐसी सोसाइटी को क्या कहते हैं जिसमें लोग सिर्फ अपने इमीडिएट फैमिली के साथ ही ज्यादा रिलेशन रखते हैं और बाहर किसी के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं रखते. कलेक्टिविस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, कम्युनल और आइसोलेटेड. कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, इंडिविजुअल, कम्युनल और आइसोलेटेड. कलेक्टिविस्ट नहीं हो सकती. कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में यू नो देयर इज मोर एम्फसिस ऑन द रिलेशनशिप्स विद आउटसाइड द फैमिली. इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी जहां पर लोग जो हैं वो अपने आप पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और अपने फैमिली के अलावा किसी के साथ ज्यादा कंसर्न नहीं रखते. कम्युनल सोसाइटी में क्या होता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ यू नो इकोनॉमिक रिलेशंस की हम बात करें जिसमें एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस to all the modes of you know power. And isolated society wo hoti hai that is you know maybe geographically very isolated from the mainstream societies. To iska answer banta hai B, that is individualistic society jahan par log apne aap mein hi magan rehte hain, theek hai, aur apne parivar ke sath baat karne se alawa aur kisi se wo matlab zyada nahi rakhte. In sociology, what is the term for the process by which cultural traits are spread from one society to another? That process, jisme the cultural traits flow from one society to another. है ना, हम कहते हैं ना कि ये ट्रेड जो है वो इंडिया में वहां से आया, आर्यंस आए, वो ऐसा लेकर आए. तो what is this process called? First option, cultural assimilation, cultural imperialism, cultural diffusion or cultural relativism. पहले आप मुझे आंसर दे दीजिए इसका, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए बी सी और डी. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दैट जिसमें कल्चरल ट्रेड्स फ्लो फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर. Yes, I'm getting correct answers and some wrong also, but iska answer hai cultural diffusion. To diffuse hona yani hai na, diffusion as a process humne padha to hai ki diffusion yani ke jab ek jagah se particles you know dusre environment mein jate hain, to cultural diffusion, culture ke traits jab ek society se dusri society mein aate hain use hum cultural diffusion kehte hain. Cultural assimilation kya hoti hai, when you know some members go to a new society और वहां के कल्चर को अपने अंदर अपना जिंदगी का हिस्सा बना ले, उसे हम कहते हैं cultural assimilation. Cultural imperialism होता है कि जो जैसे imperialism था तो उनका जो culture impose किया जाता था लोगों पर, subject population पर, उसे cultural imperialism कहते हैं against the will of the people. Cultural relativism is that आप अपने कल्चर के ट्रेड्स के मुताबिक दूसरों के कल्चर को ना समझे बल्कि दूसरों के कल्चर को उनके हिसाब से समझे, उसे हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म.
okay, that you can you know relate the difference between two cultures, and ये नहीं कहना कि अरे हमारा तो खाना इनसे अच्छा है, हमारा तो रहन सहन इनसे अच्छा है, बल्कि दूसरों के कल्चर को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, उसे कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी. ट्रेडिशनल सोसाइटी का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है? फर्स्ट, हाई डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर, सी एम्फेसिस ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और स्ट्रॉन्ग अडहेरेंस टू कस्टम्स एंड रिचुअल्स. क्वेश्चन नंबर 10th. इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल सोसाइटी का ट्रेट है? वेरी गुड. तो आंसर इज डी, है ना. तो हाई डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होती नहीं, डिविजन ऑफ लेबर भी सिंपल होती है, यानी कि काम जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड नहीं होते. एम्फेसिस ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नो नॉट एट ऑल. हाउएवर कस्टम्स और रिचुअल्स के साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है लोगों का, एंड बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द वेज इन विच सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर. कौन सा सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है जो इस चीज पे एम्फसिस करता है कि हमें सोसाइटी को किस तरह समझना चाहिए, दैट हाउ लॉ एंड ऑर्डर, हाउ ऑर्डर इज मेंटेन्ड और स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी, यानी स्टेटस को कौन सा पर्सपेक्टिव फोकस करता है इस पे, दैट यू नो सोसाइटी इज इन ऑर्डर, harmony, all the systems are interdependent on each other types. ये कौन बोलते हैं? मैंने सारे hint दे दिए. conflict theory, symbolic interactionism, functionalism or feminist? Yes, correct answer is functionalism. I'm glad I'm getting correct answers, which means आप लोग hard work कर रहे हैं. conflict theory कहती है कि society में conflict है, different sections में आपस में तनाव है. symbolic interactionism एक और perspective है जो ये कहता है कि समाज में अगर relations को समझना है तो हमें सबसे पहले वो symbols समझने चाहिए जिनके through लोग आपस में बात करते हैं. feminist theory बात करती है of the feminism, it talks about the women, whereas functionalism talks about this question. Okay, question number 12, what term describes the belief that one's own culture और ग्रुप इज सुपीरियर टू अदर्स. अब मैंने एक टर्म दी थी कल्चरल रिलेटिविज्म, है ना, आपको समझाई कि दूसरे के कल्चर को अपने से इंफीरियर नहीं समझने को हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म. अब ये बोल रहे हैं कौन सी टर्म है विच सेज दैट माय कल्चर, माय ग्रुप इज बेटर देन द अदर्स, विच मीन्स दैट अदर्स आर इंफीरियर टू मी. एथनोसेंट्रिज्म, cultural relativism, xenophobia or multiculturalism? Give me the answer first, then we'll explain the rest of the terms. Ethnocentrism, cultural relativism, xenophobia or multiculturalism? Very good, very good. No, hooray, this cannot be xenophobia. Ethnocentrism. इस फीलिंग को या इस चीज को हम कहते हैं दैट समबडी इज सेंटर्ड टुवर्ड्स देयर ओन ग्रुप एंड ओन कल्चर ओनली. एथनो मतलब आपका जो पूरा फोकस है, आपका जो पूरा लगाव है, वो सिर्फ अपने कल्चर के साथ है. आप दूसरों को अपने से कम और यू नो कमतर समझते हैं. कल्चरल रिलेटिविज्म हमने समझाया कि अंडरस्टैंड द अदर कल्चर्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. ज़ीनोफोबिया इज दैट फोबिक अबाउट दी फॉरेन कल्चर, कि किसी दूसरे के कल्चर से मतलब अफ्रेड होना कि नहीं भाई नहीं, हम तो इनके कल्चर के साथ बिल्कुल भी नहीं इनको एक्सेप्ट कर सकते. मल्टीकल्चरलिज्म इज द फीचर ऑफ द मॉडर्न यू नो मेट्रो या बड़े शहरों बड़े देशों की फीचर है कि जहां पर बहुत सारे कल्चर एक साथ रहते हैं और फ्लरिश करते हैं. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एथ्नोसेंट्रिज्म. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, Which social theorist is known for his work on social contract? Social contract and the concept of state of nature.
थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे जे रूसो और इमैनुअल कांत, इन चारों में से किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी हुई है, दैट समाज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बना था, है ना। मैं कह रही हूँ कि सोसाइटी तो हमेशा से एग्जिस्टिंग थी, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल्स ने समझना शुरू किया तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने व्यूज दिए कि हमें लगता है कि समाज इस तरह बना होगा, हमें लगता है इस तरह रूल्स बने होंगे। तो ये किसने कहा है कि समाज में इतनी हिंसा थी, वायलेंस था, तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किया लोगों ने कि आइए हम शांति से रहेंगे, एक दूसरे को नहीं मारेंगे, तो टू फ्लरिश एंड टू लिव पीसफुली देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी है, हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने या कांत ने? I'm not getting correct answer for this question. Only one correct answer, that is J.J. Rousseau. This is a theory, social contract theory, Rousseau ki hai. ठीक है, अगर यू नो ओरिजिन या यू नो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को पढ़ना कोशिश करना, या एक छोटा सा ब्रीफ एक ले लो इसका, गूगल करो, या इफ यू हैव अ मटेरियल आल्सो, तो देखिए ये थ्योरी किसने दी है, हॉब्स क्या कहते हैं, लॉक क्या कहते हैं। इट्स ऑलवेज गुड फॉर योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को हमेशा और बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फीचर इसमें से कौन सा है, रिलायंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, एम्फेसिस ऑन सर्विस इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी फ्रेंड्स, नॉट इंडस्ट्रियल, ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पे ज्यादा एम्फेसिस होता है इसमें, सर्विस इंडस्ट्री पे ज्यादा है, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। लिमिटेड एडवांसमेंट, हर ऑप्शन को ध्यान से रीड करना है। आई एम हैप्पी आई एम गेटिंग गुड आई मीन करेक्ट आंसर्स फॉर दिस आल्सो। तो यस, एम्फेसिस ऑन सर्विस इंडस्ट्रीज, पहले तो आंसर तो यही है। अब देख लेते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती क्या है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो होती है या वो है वेयर यू नो द मेन एम्फेसिस और द मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन इज इंडस्ट्रियलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो, ये ध्यान नहीं दो कि यू नो एनवायरमेंट का कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पोस्ट इंडस्ट्रियल जो है वो ये कहता है कि आप भाई दूसरों का भी ध्यान रखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने करनी है, एंड देयर इज अ मोर एम्फेसिस ऑन व्हाट, ऑन द सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस यानी कि जैसे हम कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स का जमाना है ये जमाना जो है ये सिर्फ पैसे का नहीं है, यू नो व्हाट यू राइट, व्हाट इंटेलेक्ट यू हैव, व्हाट सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड, उसकी ज्यादा कीमत है। ठीक है, तो emphasis is on the service industries, so that is post-industrial society, industries के आगे। Okay, question number 15, who is credited with the quote, man is a social animal, such a cream question, easy question कहीं नहीं मिल सकता। Plato, Socrates, Aristotle or Confucius, A, B, C or D, question number 15। जिनके ऑप्शंस गलत हो रहे डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं कह रही हूँ सिर्फ एब्जॉर्ब कीजिए इस टाइम जितने भी एमसीक्यूज हम इस अपनी पूरी सीरीज में, अगर 1000-2000 एमसीक्यूज हम करते हैं दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल, कुछ तो आपको बेनिफिट होना ही है। बट होगा तब व्हेन यू कीप योर कप एम्प्टी, कहते हैं ना कि जब आपके कप में पहले से चाय भरी हुई है आप उसमें और क्या डालोगे। अपने आप को पहले थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, ये प्रेशर मत रखिए कि मुझे सब आना चाहिए। नहीं आता है तो तभी तो सीखिए, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ओके फाइन, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, नेक्स्ट टाइम ये अगर आ गया मेरे सामने या इसके रिलेटेड कुछ आ गया तो नहीं छूटेगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सेज दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना, कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज सोसाइटी प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इन इट्स सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर हम सोसाइटी को बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन करें तो व्हाट इज सोसाइटी, अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स,
isolated individuals or group of unrelated individuals. Sometimes question हमें difficult लगता है, लेकिन option इतने आसान होते हैं कि पूरा काम हो जाता है. तो बताइए A, B, C और D, society की simplest explanation क्या होती है? Yes, इसका आंसर है इट इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. मैकाइवर और पेज ने बिल्कुल सिंपली कहा है कि समाज जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स का ताना बाना है, ऐसी एक ऐसा एक जाल है. क्वेश्चन नंबर 17, हु कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर और कॉम्ते. Who has coined the term? Very good. So it is Comte. He has made the discipline and he has coined the term. He has made the term popular also. Animal society is based on Dash and human society is based on Dash. ये क्वेश्चन हमने जो पहले लाइव सीरीज की थी ये क्वेश्चन उनमें भी था, और जिन्होंने वो मतलब की होंगी वो सेशन मेरे साथ अटेंड किया होगा, ये क्वेश्चन उनको डेफिनेटली आना चाहिए. इंस्टिंक्ट्स एंड रीजन, सेक्स ड्राइव्स एंड कल्चरल नीड्स, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज, नन ऑफ द अबव. एनिमल सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है, वेयर एज ह्यूमन सोसाइटी किस चीज पे बेस्ड है? Very good, Saba, and all others who are giving me correct answer. Okay, yes, instincts and reason. Animal society अपने instincts पर चलती है, लेकिन इंसान जो है वो reasoning से चलता है, अपना दिमाग लगाता है, reason से चलता है. What do you understand by patriarchal society? Patriarchal society थोड़ा सा हटके question है. मे बी हम कह सकते हैं कि यू नो फैमिली मैरिज किनशिप में से है, बट इट्स ओके. तो यू नो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके एक्सक्लूसिव हमें कहिए कि ऑप्शन कभी एमसीक्यूज नहीं भी मिलते, या फिर टू एड ऑन टू द नॉलेज वी कैन हैव सम मिक्सचर ऑफ द एमसीक्यूज एज वेल. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट इन होलिस्टिकली आप मतलब की चीजों से गेन करें. तो क्या है पेट्रियार्कल सोसाइटी? Dominated by men, dominated by women, society where there is equality of men and women, or none of the above? 19. Very good. Dominated by men. जहां पर पितृसत्ता हो, यानी के male का राज हो. 20. What does the term social control refer to? Last question of the series. Social control का मतलब क्या होता है? Ability to isolate individuals, regulation of societal norms and behavior, encouraging individualism or promoting competition. A, B, C or D? Question number 20, please. Correct. So it is regulation of societal norms and behavior. Social control का मतलब क्या होता है? That किस तरह से समाज अपने members के behavior का उसके you know norms and values के through उनका control करता है, उनको control में रखता है, दायरों में रखता है. That is social control. Okay friends, so with this we have come to the end of today's live series, जिसमें हमने society का पूरा revision किया, as well as हमने उसके कुछ important या initial जो MCQs हैं, वो हमने attempt किए. तो हमारी जो revision as well as MCQ series है, वो आज live launch हो गई है, and now every day at 12 आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ना है, revise करना है, you know a matter of like half an hour, उसमें आपका एक topic पूरा revise हो जाएगा, and it will be good अगर आप लोग आने वाले कल टॉपिक, फॉर एग्जांपल कल हम एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की रिवीजन करेंगे, अगर तो आपने अगर पहले से उसको मेन नोट्स में से पढ़ा हो, जो हमारे ऐप से जुड़े हुए हमारे कैंडिडेट्स हैं, या अदरवाइज आल्सो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसको रिवाइज कर लें, कल एक क्रक्स में हम रिविजन करके और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इससे बेहतर और क्या मिल सकता है. तो हम कोशिश कर रहे हैं, हर पॉसिबल यू नो एफर्ट हम डाल रहे हैं आपके लिए, सो दैट यू कैन यू नो गेट more near to your goal, कि हमने crack कैसे करना है इस exam को. देखिए कुछ भी पढ़ने से
फायदा नहीं होता। मंजिल सबको चाहिए, तो उस मंजिल को पाने के लिए जितना भी एफर्ट डालना पड़े हमने उसको सही डायरेक्शन में डालना जरूरी है। नॉट दैट आपने कितना मटेरियल इकट्ठा कर लिया या कितना आपने पढ़ लिया, जहां जहां से आप देख के परेशान नहीं होना है। चीज को अपने मतलब उसकी क्वालिटी से पढ़िए और अपने दिमाग में चीजों को बिठाइए, जो चीज देख रटने की या याद करने की उन्हें याद कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई डाउट्स है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल्सो यू हैव यू नो ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, सो दैट हमें भी आपको रिविजन्स कराने में मजा आए और हमारी एनर्जी भी और बूस्ट हो। विद दिस आई एंड दिस सेशन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और कल मिलते हैं फिर 12 बजे। थैंक यू।